ओके okay. कैसा चल रहा है? आपका कल मिस कॉल था। हाँ सर, कल एक डाउट के लिए फोन किया था। हाँ बोलिए, आपका क्या डाउट है? हाँ, मैं किसी को बोलता हूँ ना सर, समझाता हूँ ना, वो पहले पूछता है क्या ये करके पूछता है। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ ओके okay. देखिए, सर, सबसे पहले आपको समझाना चाहिए कि हाँ सर, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी हाँ सर, के नियम कानून थोपे हुए हैं। हाँ सर, हाँ सबसे पहली बात हमें क्या बताना चाहिए कि सर, हमारे जो राजनेता हैं वो दुष्ट हैं। उन्होंने हमारे ऊपर, जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए नियम कानून और बादशाही व्यवस्था बनाई थी, वही थोपी हुई है, राइट? ये हाँ सर, राजनेता हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमारे वोट से जीतते हैं लेकिन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं। आप ये बताइए, इन जो भी राजनेता आज बना है वो अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे बना है? उन हाँ कार्यकर्ताओं सर, ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, अपने सिर फोड़वाए, पुलिस की लाठियां खाई, कुछ ने अपने ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध कराए। इनके लिए जो है पोलिंग बूथ में बैठे, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की। ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण ही आज ये राजनेता है कि नहीं है? हाँ सर, है राजनेता जैसा कि कि, नहीं है? किसके कारण राजनेता ये बन पाए हैं? अपने कार्यकर्ताओं हाँ के सर, कारण, राइट? ये दुष्ट हाँ लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को रोज नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी जगह जो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अपने नेताओं के दूध पीते बच्चों के, जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। इतने दुष्ट हैं ये राजनेता। इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, जो हमारे साथ प्रतिदिन अन्याय कर रही है। कानून के तहत जो है पुलिस की ये कानूनी जिम्मेवारी है कि वो अपराध का पंजीयन करे। हम में से 80% लोगों के केसेस में हमें थाने से भगा दिया जाता है, अपराध पंजीयन नहीं होता है। इन्होंने हाँ सर, ऐसी सशक्त व्यवस्था नहीं की है कि यदि पुलिस अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन ना करे तो उसे दंड भी मिले और उसे कंपनसेशन भी देना पड़े। इन दुष्ट लोगों ने ऐसी बादशाही व्यवस्था हम पर थोपी हुई है जहां पटवारी से लेके हर कोई जो है गलत निर्णय लेता है, पैसे खाके निर्णय लेता है, लेकिन लुटते पिटते हम हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लगाते हैं। जिसने जानबूझ के गलत निर्णय लिया, जिसने भ्रष्टाचार करके गलत निर्णय लिया, उसे जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसके उसे जो है हाँ ना, सर, आपको कंपनसेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ सर, तो जब देना आपको चाहिए। समझाने की बात आए तो जैसा मैंने बताया है उस ढंग से समझाइए। और आपकी मदद के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, जिसमें 2000 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं, तो उनसे हाँ कहिए सर, कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखें। जो वीडियो हाँ सर, आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप लाइक करके शेयर करिए और इसके बाद लोगों से बात करिए, क्योंकि ये 1-to-1 फिनोमिना है। हाँ देखिए, सर, इसमें लाभ ही लाभ है। नंबर 1, हाँ हम सर, में से जो भी मेहनत करेगा, जो लोगों को जोड़ेगा, वो चंद्रगुप्त बनेगा। क्योंकि चंद्रगुप्त की हाँ सर, डेफिनेशन क्या है? चंद्रगुप्त, मैथिली शरण गुप्त किसी को नहीं बना सकते हैं। चंद्रगुप्त हाँ सर, सामने वाले को बनना है, खुद बनना है। हाँ सर, और वो कैसे हाँ सर, बनेगा? लोगों को जोड़कर। तो अपने हाँ आप सर, को जोड़ना है, अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, अपने एक्सटेंडेड फैमिली, मामा ता चाचा एटसेट्रा को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने जो है रिश्तेदारों को जोड़ना है, विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और 16 बाह्य विधाओं में विशेष तौर पर जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, युवाओं को, विद्यार्थियों को जोड़ना है, समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है, राइट? तो
इनके सर, लिए हमें, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, जो सांसद क्षेत्र में सबसे अधिक व्यक्तियों को जोड़ेगा वही जो है हमारा चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो ऐप के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़े। और इसमें खुशी की बात यह है कि जब आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो सिस्टम आपको तत्काल रिवार्ड दे रहा है, आप मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं। या जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ते हैं, आप ब्लॉक अधिकारी, आप टाउन अधिकारी बन जाते हैं। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ते हैं, आप ब्लॉक ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं, आप जो है स्टेट ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं, आप नेशनल ऑफिसर बन जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था इसमें है। तो आप कहेंगे कि साहब, इतने सारे अधिकारी बनने से फायदा क्या है? तो ये एक विशेष मकसद से ये सिस्टम डाला गया है। ये इस बात का भरोसा पैदा करने के लिए डाला गया है कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। यदि आप अपना काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पद मिलेगा। जिस दिन आप ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, सिस्टम आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, और ये सब अपने आप होगा, नंबर 1। इसी तरीके से यदि आप सांसद क्षेत्र में अधिकतम आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो सिस्टम आपको चंद्रगुप्त घोषित करेगा, राइट? हाँ ये सर, चंद्रगुप्त कब घोषित करेगा? ये 2024 में घोषित करेगा आपको, राइट? हाँ सर, तो हाँ सर, 2024 में प्रत्येक सांसद क्षेत्र के अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले, अधिकतम लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति को सिस्टम जो है चंद्रगुप्त घोषित करेगा। और फिर हाँ सर, एक गोपनीय पार्टी ऑलरेडी गठित कर दी गई है, जिसका काम केवल टिकट बांटना है। तो वो पार्टी जो है सांसद का टिकट लेके नम्रता पूर्वक विनय करते हुए, जिन लोगों ने अपने आप को सांसद क्षेत्र में चंद्रगुप्त स्थापित किया है, उन्हें हाथ जोड़कर टिकट देगी, ये कहते हुए कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा यह सांसद का टिकट आपके लिए है, राइट? और फिर जो है इसमें जो चंद्रगुप्त है वो किसी के पास, किसी के दरवाजे पर नहीं जा रहा है वोट मांगने के लिए। ना कोई चुनावी सभा होगी, ना कोई चुनावी चुनावी रैली निकाली जाएगी, कुछ नहीं होगा। कि क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ जो है सदस्य अपने छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, प्रतिदिन जिस दिन से वो चंद्रगुप्त घोषित होगा और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन तक प्रतिदिन अपने छत पे खड़े होकर, जिसके पास छत नहीं है वो चबूतरे पे खड़े होकर, यदि चबूतरा भी नहीं है तो अपने दरवाजे पे खड़ा होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर संकल्प लेगा कि मैं अपने चंद्रगुप्त, उसका नाम लेते हुए फलाना फलाना चंद्रगुप्त को मैं विजय बनाऊंगा। तो जब जो है 100 करोड़ लोग अपने अपने क्षेत्र के जो है चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेंगे तो राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होगा और आपको जो है 21 जो ऑब्जेक्टिव है उनकी पूर्ति हो जाएगी, जिसमें इन दुष्ट राजनेताओं जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजी नियम कानून थोपे हुए हैं उनको पराजित करना, हमारे ऊपर सर, जो अंग्रेजों के नियम कानून बने थोपे हुए हैं उनको पार्लियामेंट के मंदिर से में जाकर बदलना, फिर जो है जो ये बादशाही व्यवस्था जो कि अंग्रेजों ने लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के तहत लाई है, ये उसकी लॉर्डशिप हटा दी जाएगी। वह एक अधिकारी होगा और अपनी फंक्शनल ड्यूटी उसे करना होगी। यदि वो अपनी फंक्शनल ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करता है, जानबूझकर भ्रष्टाचार करते हुए गलत निर्णय लेता है, तो दंड के साथ साथ उसे कंपनसेशन देना होगा। और यदि उसकी ये प्रवृत्ति पाई गई तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। इस तरीके से जो है ये जो अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी हुई है, जो जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है,
वो बदल दी जाएगी। क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि पांच सर्टेनिटी के तहत भारत को अपराध मुक्त बनाया जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल है। उसकी टेक्नोलॉजी की अधिकांश चीजें रेडी है, जो गैप है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत पांच सर्टेनिटी के साथ आएगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और झूठी और गलत एफआईआर दर्ज कराने वाला जेल में सड़ेगा। तो जहां एफआईआर दर्ज होगी वहां पर धूर्तता पूर्वक यदि आप गलत एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेंगे तो खुद जेल में सड़ेंगे। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से सबसे साधारण, सबसे बेकार, सबसे कम विद्वान पुलिस अधिकारी भी अकाट साक्ष्यों को एकत्रित कर पाएगा और 15 दिन में चालान या जिसको चार्जशीट कहते हैं उसे प्रस्तुत कर पाएगा। क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में सभी न्याय प्रकरणों का निराकरण करना ही होगा। इसके लिए लाखों की संख्या में जजेस बनेंगे, आप भी जज बन सकते हैं, राइट? उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको जो है जज के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो बिना खर्च के हम बड़ी आसानी से 3 दिन से 30 दिन के अंदर में प्रकरण में न्याय दे पाएंगे। फिर क्राइम फ्री भारत का जो चौथी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसे हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी, और जब वो अपराध करने निकलेगा तो इसका अनुमान भी वो सिस्टम लगा सकेगा। उसे ये भी मालूम होगा कि आपके साथ कौन है, आप किस जो है ना वाहन से निकले हैं, आप किसके साथ अपराध घटित कर सकते हैं, और इसके पहले के आप अपराध घटित करें स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से उस अपराधी को अपराध घटित करने के पहले रोक लिया जाएगा। तो 5 साल के बाद 2029 तक भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बात आपको समझ में आई है क्या? हाँ सर, समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो जब जो है अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा तब जो है क्राइम फ्री भारत का सिस्टम जो है उस अपराधी के पास जाएगा कि मुझे मालूम है कि आपके ये आपराधिक रिकॉर्ड है, अब आपको अपराध करने का ऑप्शन नहीं है, लिहाजा आपका स्किल सेट क्या है, आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए, हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे। तो सभी अपराधी रिहैबिलिटेट कर दिए जाएंगे, इस प्रकार अपराध मुक्त भारत जमीन पे उतरेगा। इसमें सजा के दो कंपोनेंट होंगे, एक है इम्प्रिजनमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल पनिशमेंट, और ये फाइनेंशियल पनिशमेंट फिक्स नहीं होगा, इट विल बी सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फरियादी को भी जो रिपोर्ट करने वाला है उसे भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो गवाही देने वाला है उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट उसमें कार्रवाई करेगा उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, वकील को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। यदि कोई जो है फरियादी या गवाह कोई ऐसी डायलेक्ट बोलता है जो समझ में नहीं आती है तो दुभाषिये की जो ना उपयोग होगा, दुभाषियों को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, डिफेंस लॉयर को, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा और जज को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, और सभी की रेवेन्यू स्ट्रीम को जोड़कर उसमें दो का मल्टीप्लिकेशन करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। जब वो जेल में जाएगा तो आज की तरह वो जेल में मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेगा, तो जेल के मैनुअल बदल दिए जाएंगे। आपको जेल में रोटी तब मिलेगी जब आप श्रम करके, और वो भी अच्छा श्रम करके, अपनी मानसिकता बदलते हुए जब आप श्रम करेंगे तब आप रोटी के हकदार होंगे। तो जेल मैनुअल भी बदला जाएगा, इस प्रकार आपका पूरा इकोसिस्टम बदल लिया जाएगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से, एग्रो एंड आयोस मॉडल से, अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और विभिन्न तरीके के जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं जिससे हमारी पानी, हमारी धरती, हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है, पॉइजनस हो गई है, उस वह जो है इस नए मॉडल के तहत वो सब चीजें हटा ली जाएंगी। क्राइम
किसानों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ेगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। मिनिमम जो है मजदूरों का परचेजिंग पावर 50,000 रुपये पर मंथ होगा। एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे, 2 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। तो 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति अच्छे घर में भी रहेगा, खुद अच्छा खा पाएगा, अपने बच्चों को अच्छा खान पान दे पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। उसे पीएम के आवास की योजना की जरूरत नहीं होगी, उसे फ्री वी की जरूरत नहीं होगी, उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो फ्री वी रिजर्वेशन, ये दुष्टता इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए डाली हुई है और आपको गरीब बनाए रखने के लिए डाली हुई है, आपको दारूखोर बनाने के लिए डाली है। ये सब बदल जाएगा तो भारत जो है समृद्धशाली भी होगा, निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा। वैदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस को जोड़कर भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और आगे चल के विश्व गुरु बनेगा। अब बताइए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आपके जेब के 5 पैसे लग रहे हैं? सर नहीं, आपके जेब के 5 पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं ना? नहीं, नहीं लग रहा सर। आपके जेब के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। आप जो है नहीं सर, इससे जुड़े, आपको आईडी कार्ड मिला, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं सर। नहीं लगे। आपने क्या हाँ कोई नियम कानून, कोई कंडक्ट रूल तोड़ा है क्या? नहीं सर। नहीं तोड़ा। आपसे कोई चक्का जाम, कोई प्रोसेशन निकालना, कोई जुलूस निकालना, कोई धरना देना, रेल रोको करना, दिल्ली चलने के लिए नहीं जाना, ऐसा कुछ करने के लिए, नेगेटिव कोई भी चीज करने के लिए कही जा रही है? नहीं सर। जब आप अपने ही घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे तो उनसे और उन्हें 1-to-1 एनर्जाइज करेंगे तो आपके अपने ही नेटवर्क में आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो मजदूर हो जाएगा सर। जाएगा। आपके अच्छे और अच्छे संबंध हो जाएंगे तो हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा आए। 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, नियम भी नहीं तोड़ रहे हैं, हमारे संबंध भी बढ़ जा रहे हैं, हमें जो है एक अच्छा इकोसिस्टम मिल जा रहा है। और यदि हम अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर पाए तो हम विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। आज ये दुष्ट लोग जो है, जिसमें से 80% यदि जो है उन्हें चपरासी की कंपटीशन में बिठाया जाए तो चपरासी नहीं बन पाएंगे। ये लोग हमारे राजनेता क्यों हैं, ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं, ये हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं, और ये लोग जो है तीन तीन चार चार पांच पांच बार स्वयं मुख्यमंत्री रह रहे हैं, इसके बाद इनके अनपढ़ गवार बच्चे भी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। ये दुष्ट व्यवस्था हमें बदलना ही होगी। हमारे राजनेता नेताओं का पाप का घड़ा भर चुका है, अब समय आ गया है कि हम इन्हें नई व्यवस्था के तहत बिना खर्च के पराजित करें। तो इस नई व्यवस्था में आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं हो रहे हैं। और हाँ उल्टा सर। हमारे कुछ गरीब लोगों को से कई वोट जो है पैसे देके खरीदते हैं। तो क्राइम फ्री भारत मिशन अपने सदस्यों से कह रहा है कि जब ये दुष्ट राजनेता, जिन्होंने अकूत जो है भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित करके रखी है, जब ये आपके पास गरीबी बांटने, दारू बांटने, साड़ी बांटने, पैसे बांटने आए तो इनसे भर भर के पैसे की मांग करो, क्योंकि इन राजनेताओं के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा है उसे इस बार लूटना है। और हाँ सर। वोट हम अपने चंद्रगुप्त को देंगे, राइट? तो इनसे पैसा हाँ भी सर। लूटेंगे, वोट भी इन्हें नहीं देंगे, वोट चंद्रगुप्त को देंगे। और चूंकि ये दुष्ट लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, तो ये हमारे गरीब लोगों को सताने की औकात रखते हैं, उनकी मार पिटाई करने की औकात रखते हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इसे अपराध बना के इन्हें जेल में सड़ने के लिए विवश करेगा। तो ये लुटपिट भी जाएंगे, जीतेंगे भी नहीं। अधिकांश राजनेताओं की जो है जमानतें जब तो होंगी ही। और क्राइम फ्री भारत मिशन, ऐसे चंद्रगुप्त जिनका चेहरा किसी को नहीं मालूम है, वो विजयी होंगे और हम फिर पार्लियामेंट के मंदिर में
365 दिन कानून को बदलने का काम करेंगे और देश का इकोसिस्टम बदल देंगे। तो मिस्टर सतीश, आप बताइए, बिना किसी उसके आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और यदि हम इसके बाद भी दुष्टतापूर्वक नहीं मिल जुड़ रहे हैं, यदि दुष्टतापूर्वक हम अपने लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम कितने गद्दार, मक्कार, बेकार लोग हैं? क्या हम स्वयं फिर देशद्रोही नहीं है क्या? हाँ सर, नहीं है बिल्कुल कि नहीं देशद्रोही है? हो जाता है। यदि हाँ सर, हम हमारा कुछ नहीं लग रहा है और इतना बड़ा परिवर्तन बिना खर्च के आ पा रहा है, और आपको राजनेताओं को लूटने का मौका भी दिया जा रहा है, इसके बाद भी यदि हम इस व्यवस्था में जुड़ने का कार्यक्रम नहीं करते हैं, यदि हम संगोष्ठियां नहीं करते हैं, या हम बात नहीं करते हैं, या हम शपथ पत्र नहीं भरते हैं, या हम जो है शपथ पत्र के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो हमसे मक्कार, नालायक और कोई व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? नहीं सर, ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा हम नहीं किया तो। तो फिर बस, अब आपको समझाने में दिक्कत है क्या? हाँ नहीं सर, मैं थोड़ा अच्छा, समझाओ अभी। एक चीज मुझसे किसी ने पूछी। उसने कहा हाँ कि सर, साहब, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हाँ सर, वो जो है उनको जो है वो चूंकि डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड नहीं होगा और जोड़ने में दिक्कत जाएगी, तो हाँ उनसे सर, उनके जो है हम कागज पर शपथ पत्र बनवाएं, ठीक है ना, पेपर पे, हाँ राइट? सर, हाँ सर, और हाँ सर, एक लोकल व्यक्ति को हम उसका रेफरल बनाएं, जो कि जो व्यक्ति का जिम्मेवारी होगी कि सप्ताह में एक बार उनकी मीटिंग करके जो जो भी नए वीडियोज आए हैं वो उनको दिखाएंगे, राइट? और हाँ उनका सर, जो शपथ पत्र जो कागज पे बना हुआ है उसे अपलोड करेंगे, और एक छोटा सा वीडियो शपथ लेते हुए बनाएंगे और उसे अपलोड करेंगे, तो हमारी टीम ऐसे सभी हाँ केसेस सर, में एक मेंटेन करेगी रजिस्टर, और जिसमें ये हाँ सर, एक्टिविटी के जो मार्क्स हैं वो संबंधित को हाँ सर, दिए जाएंगे। तो क्योंकि मोबाइल पे तो उसी को जो है ना मिल पाएगा, जो ऐप के माध्यम से जुड़ेगा उसी को ही जो है पॉइंट मिल पाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, ऐसे लोग जो गरीब हैं जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं है, यदि वो खरीदने की हिम्मत और औकात उसकी अभी नहीं है, तो जो है उसके लिए पेपर पर शपथ पत्र बना लिया जाए। लेकिन उसी एरिया का एक ऐसा व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपना पड़ेगी कि एक सप्ताह के अंदर जितने भी ऑडियो वीडियो जाते हैं उनके अच्छे ऑडियो वीडियो इनको सुनाएंगे और इनके एनर्जी को, लेवल को बढ़ाएंगे। जब ये शपथ लेते हैं उस समय शपथ लेते हुए वीडियो बनाकर उसे भी अपलोड करेंगे, और जो कागज में बनाया हुआ शपथ पत्र है उस शपथ पत्र को अपलोड करेंगे, राइट? तो हमारी हाँ सर, टीम जो है ऐसे सभी शपथ पत्रों को के लिए जिन लोगों ने शपथ पत्र अपलोड किया है उसको मास प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, तो उनको भी प्रतिष्ठा पॉइंट अलग से हम जोड़ के उसका हिसाब किताब रखेंगे और उसको जोड़ेंगे। लिहाजा जोड़ने की जो कवायद में, चंद्रगुप्त बनने की कवायद में, जिन लोगों ने उन गरीब लोगों को जोड़ा है जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनका भी रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, हाँ, और उसमें जो है हम उनका नाम, डिटेल, आधार कार्ड ये सब भी डाल दें, जिससे कि कोई फर्जी तरीके से उसको वो ना करे। उसमें कागज का भी जो है पेपर पर भी शपथ पत्र साइन होना चाहिए, और कौन उनको जो है सप्ताह में एक बार वीडियो दिखाएगा उसका भी खुलासा होना चाहिए, और साथ में एक शपथ लेते हुए वीडियो भी बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुफ्त में हम इतना बड़ा बदलाव ला पाएंगे। ये दुष्ट राजनेता 75 सालों में इन्होंने सिर्फ आपको धोखा दिया है, अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। ये सभी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐसे चंद्रगुप्त जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, जो कोई नहीं जानता है, वो चंद्रगुप्त लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेंगे, और इन दुष्ट राजनेताओं को जो बड़े बड़े दिग्गज राजनेता हैं उनकी जमानतें जब्त कराएंगे। इस बात से आप सर कहां तक सहमत हैं ये बताइए।
हाँ सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर इस बात तो से। फिर आपको नहीं लगता है कि एकदम जोर से भिड़ जाओ? आपने क्या अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जोड़ लिया है? अच्छा, हाँ जोड़ लिया सर। तो कितने लोगों को जोड़ा है मिस्टर सतीश आपने अभी? अच्छा, सर मेरा एक छोटा सा करेक्शन है, मेरा नाम सतीश नहीं है, सुरेश है। लेकिन उसमें तो सतीश नाम आ रहा है ना आपका? नहीं सर, सुरेश सुरेश आ रहा है। अच्छा, सुरेश आ रहा है। चलिए तो हाँ सुरेश जी, हाँ आई सर, एम सॉरी, मैंने हाँ आपका गलत नाम हाँ लिया। तो सुरेश जी, नहीं, आपके परवाह नहीं सर, आपके परिवार बस में कितने लोग हैं? मेरा अभी 6 मेंबर जुड़ा है सर। नहीं, आपने पहले परिवार के सभी लोगों को जोड़ लिया है? हाँ परिवार में सभी, मेरा वाइफ, मेरा बच्चों का जोड़ और लिया है। मेरा अब भाई का, आपकी जो मेरा भाई का। एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा चाची ताता ता, ता, जो है मामा मामी, इन लोगों को जोड़ा है? हाँ, नहीं सर अभी नहीं जुड़ा है। तो उन उनसे बात करो, उनके पास भेजो। जैसे मैंने उनको समझाया है, आप हमारे ही वीडियो से उनको समझाने की कार्रवाई करिए। जो आपसे हमारी बातचीत हो रही है, ये भी कलवल तक जो है ना अपलोड हो जाएगी, तो इसको उनसे शेयर करिए। तो हाँ सर वो हमारी आवाज में हमारे समझाने के तरीके से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और यदि हाँ उन्हें सर कोई भ्रम रहता है, तो आप हाँ उनका सर भ्रम यदि दूर नहीं कर पाते हैं, तो हाँ सर हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे सब लोगों के जितने भी भ्रम हैं वो दूर करेंगे। ठीक हाँ ठीक है सर। है ना? तो मेरे उससे से हाँ दो तीन लोग है ना, कल मेरे से क्वेश्चन आया था, हाँ ये ऐसा ही करता है, बाद में वो गुमराह करके छोड़ देता है, ऐसा बोल रहा था, मैं नहीं, उतना समझ ऐसा नहीं पा रहा नहीं, था। ऐसा आप क्या कर रहे हो जो गुमराह करना कह रहा है? आपसे वो क्या संपत्ति ले ले रहा है जिसके लिए हाँ आप सर जो है ना आपको प्रॉब्लम है? आपको क्या हाँ गुमराह सर कर रहा है? वो क्या गुमराह कर रहा हाँ है? सर नहीं, आप मुझे बताइए क्या हाँ सर गुमराह कर रहा है? आपसे क्या छुड़ा ले इतने ही है रहा बस, है? आपसे चंदा ले रहा है क्या वो? इतने नहीं, इतने ही है सर। तो फिर जो है ना, ये तो गलत बात हो गई ना। मतलब हाँ सर, आपको 5 पैसे वो लग मेरे नहीं को ऐसा रहे पूछा। हैं, आज की व्यवस्था हाँ में सर आपको जूते लाते हैं रोज लग रही हैं, आज की व्यवस्था हाँ में सर थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बाहुबली आपके हाँ ऊपर सर अत्याचार कर रहे हैं, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा दे रहे हैं, ये सब लोग आपसे भ्रष्टाचार मांग रहे हैं, आज की व्यवस्था से आप खुश हैं? हाँ और सर जो व्यवस्था जो है आपसे कह रही है कि सब कुछ बदल जाएगा, उससे हाँ आपको सर लगता है कि बाद में भाग जाएंगे? क्या भाग जाएंगे? आपने उसको दिया क्या जो भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा ही बोला था ऐसा तो सर। नहीं है कि हाँ आपका से कोई पैसा इकट्ठा करके और उस सर पैसे को लेकर भाग जाएंगे। तो आपसे कुछ लिया जा हाँ सर रहा है क्या जो जिसको लेके भाग जाएंगे? हाँ नहीं सर और इस काम को करने वाला कौन है? डायरेक्टर जनरल हाँ ऑफ सर पुलिस, जो कि 7 साल तक जो है ना डीजी के पद पर रहा है, हाँ सर तो वो क्या भागेगा? क्यों भागेगा? उसे जरूरत क्या है? और आपसे जब कुछ हाँ लिए सर ही नहीं जा रहा है, तो भाग के जो है ना वो आपका क्या ले जाएगा? हाँ यदि सर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि हाँ सर सामने वाला भाग जाता, चलो मान लेते हैं, तो आपका क्या ले गया वो? आपको कुछ तो नहीं सर जागृत ही करके गया ना, आपको हाँ तो ये सर एहसास करा दिया कि जो है ना आज के इतना सारा राजनेता दुष्ट हैं, आपको तो एहसास ही इतना करा दिया कि इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब इनको फोड़ना है, तो हाँ सर आपको तो फायदा ही देके जा रहा है ना, आपका क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं है सर, तो इतना आप बड़ा नॉलेज मिल रहा है, इतना कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं, तो ये इस नुकसान कुछ तरीके नहीं का ना। क्वेश्चन पूछना क्या दुष्टता नहीं है? हाँ दुष्टता है जब सर। आपकी वर्तमान परिस्थितियों में आपके खान पान से लेके हर चीज में जहर मिला दिया गया है, आपकी अधिकांश दवाइयां जो केमिकल हैं वो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती हैं, हमारे डॉक्टर जो है और बाकी लोग जो है, क्योंकि उनको परसेंटेज मिलता है, इसलिए भर भर के वो दवाइयां आपको दे रहे हैं, जो बनाने वाले लोग हैं वो घटिया चीज बना रहे हैं, इवन जो दूध है वो 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है ये दुष्ट लोग जो है फर्जी यूरिया से बना रहे हैं, ये सब आप झेल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कैंसर हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाहुबली आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर जगह भ्रष्टाचार की मांग हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या हाँ दे सर रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन को
जो वो आपसे छुड़ा के भाग रहा है, आपने कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं है सर, नहीं, आपसे कुछ लिया है किसी ने? तो नहीं सर। जब आपसे कुछ लिया ही नहीं है तो आपको हाँ कहना सर, भाग जाएंगे, ये हाँ एकदम सर, दुष्टतापूर्ण भाषा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर। तो ऐसी दुष्टतापूर्ण भाषा के लिए तो सामने वाले को डांट पड़ना चाहिए, हाँ सर, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ पढ़ना चाहिए अच्छा सर चलिए, एक बिल्कुल। उन्होंने ये कहा, और क्या कहा इसके अलावा? इसके अलावा और एक क्वेश्चन आया था दूसरे लोग से, ये लोग रहता है अपोजिशन कंट्रोल में रहता है करके ऐसा बात आया था सर। किस अपोजिशन के कंट्रोल में है? अपन तो कह रहे हैं सभी राजनेता धूर्त हैं, हम सभी हाँ सर, राजनेताओं को पराजित करेंगे, और पराजित हाँ करने सर, वाले कौन होंगे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हाँ कौन सर, होगा? जो खुद लोगों को जोड़ेगा। तो चंद्रगुप्त कौन हाँ सर, बनने की क्षमता? नहीं, चंद्रगुप्त किसी को, मैथिली चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? नहीं सर, हाँ नहीं बना सकते हैं। तो चंद्रगुप्त आप बनने वाले हैं, आप जीतेंगे तो फायदा किसको मिलेगा? आपको। अपोजिशन हमारा फायदा, हाँ सर, वाले और चाहे किसी भी, सभी समस्त पॉलिटिकल पार्टियां हारेंगी तो हाँ सर, इसमें अपोजिशन का क्या लफड़ा है? हाँ सर, नहीं, अपोजिशन का क्या रोल है? जब अपोजिशन वाले भी हारेंगे, जो रूलिंग वाले हैं वो भी हारेंगे, पूरी 543 सीटों पे ये पराजित होंगे, और हमें इस बात का भी एहसास है कि ये दुष्ट राजनेता राज्यसभा में सब आपस में एकजुट हो जाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन को 4 साल तक जो है इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाना होगा, और ये इकोसिस्टम तो पहले 3 महीने में ही ले आया जाएगा, उसे हर 6 महीने में रिफाइन किया जाएगा, और 4 साल बाद जब राज्यसभा में मेजोरिटी होगी तो उसे कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है जो न्याय का ढकोसला करते हुए, कोर्ट का नाटक करते हुए निर्दोष जो है ना फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे, वही व्यवस्था आपके थोप के रखी हुई है, और इन दुष्टों ने उस बादशाही व्यवस्था को कानून से भी ऊपर कर दिया है। 197 197 CRPC के तहत उन्हें कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है, तो वो लॉर्ड तो पहले भी थे, अब उनके विरुद्ध अपराध करने पर भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। उनके गलत निर्णय के लिए आप जिंदगी भर सफर करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, ऐसी व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, और हम कितने निर्लज प्राणी हैं, अपने आप कितने समझदार प्राणी हैं कि ये बात हमको दिख क्यों नहीं रही है? आप ये सब चीजें देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये बताइए मुझे। जो हाँ देख मैंने पा रहा हूँ कहा है सर, आपके चारों तरफ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है सर। तो कम से कम जब सामने वाला दिखा रहा है तो आपको दिखना चाहिए, हाँ सर, जब सामने वाला समझा रहा है तो समझ में आना चाहिए। हाँ और सर, समझ में आ, एक चीज आपको समझना पड़ेगी, हमारे कुछ बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, वो रोटी जो है ना चरण सेवक बनकर ही खा पा रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई हो। तो ऐसे चरण सेवक जो विद्वान लोग, चूंकि वो चरण सेवक हैं लिहाजा वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो जहां आपको समझ में आ जाए कि ये विद्वान चरण सेवक है तो उसको जोड़ने में अपनी एनर्जी खर्च मत करिएगा। इसलिए 37 करोड़ जो है इन विद्वान पत्थर चरण सेवकों के लिए प्रावधान हमने रखा है। हाँ सर, अब आपकी और कोई प्रश्न रह गया क्या? और एक प्रश्न है सर, उसमें एडवर्टाइजमेंट ही आया था कल, वो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट के कितना लिए आया था? पैसा, वो 5 एडवर्टाइजमेंट आया था सर। देखो, एडवर्टाइजमेंट जिसने ऐप बनाया है वो अपने लाभ के लिए बनाया है, उसने क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन के लिए तो बनाया नहीं है। तो यदि हाँ कोई सर, व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट से 5 पैसे कमा ले और हमें ऐप हाँ की सर, सुविधा दे तो हमारे पेट में हाँ क्यों सर, दर्द होना चाहिए? हाँ, वो
वो उनका समझ में आया था क्राइम फ्री भारत का ये वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं कमाना नहीं ऐसा बोल क्राइम रहा था। फ्री भारत को थोड़ी कुछ मिल रहा है। क्राइम फ्री भारत तो ऐप को यूज कर रहा है, और ऐप हाँ सर, बनाने वाले ने ऐसा अच्छा ऐप बनाया है जो हमारे सभी मकसदों को पूर्ण कर रहा है, जिससे हम चंद्रगुप्त की पहचान कर पाएंगे। इस काम में हमें मदद कर रहा है, अपने ऐसे साथियों को रोज मोटिवेट करने में मदद कर रहा है, उनके पास पोस्ट भेजने में मदद कर रहा है, तो वो हमारे मकसद पूरा कर रहा है। यदि हाँ वो सर, ऐप बनाने वाला एडवर्टाइजमेंट से कुछ पैसे बना ले तो हमारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपसे पैसे ले रहा है क्या कोई? तो नहीं नहीं सर, हाँ आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? वही पूछा था नहीं नहीं कल मैंने बोला। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसने ऐप बना के हमको इतनी बड़ी सुविधा दी है, यदि उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उसके 200 एम्प्लॉई हैं, मैं इन लोगों को हाँ जानता सर, हूँ, ये 3 आईआईटी के बच्चे हैं, दो जो है ना आईआईटी मुंबई के हैं, एक आईआईटी कानपुर का है, इन लोगों ने जो है ये बनाया है, और ये लोग 200 इन्होंने एम्प्लॉई रखे हैं, तो वो उनको उनको भी तो वेतन बांटना है कि नहीं बांटना है? बांटना है सर जरूर। और इन्होंने जो इतना बड़ा जो ना ये काम किया है, तो इन्हें 5 पैसे खुद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, और वो मिलना 5 पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं क्या? तो नहीं है सर। फिर आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? हाँ सर, नहीं मैं नहीं अभी समझ हम ये रहा कह हूँ, रहे हैं आपके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? तो नहीं होना चाहिए सर। हाँ ये भी कोई शंका, बेकार की शंका है कि नहीं है? बेकार का है सर, मैं अभी अच्छा, समझ गया, और अभी बताइए, इसके सही अलावा और कोई कर बात किसी ने कही? मेरा तो और एक क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया सर, वो बाद में बता दूंगा सर। आपको जब भी वो याद आता है तो जरूर जो है ना आप मुझसे पूछिए, और ये जो हाँ सर, हमारी वार्तालाप हुई है ये भी कल तक हाँ सर, अपलोड हो जाएगी, तो जिन लोगों ने प्रश्न हाँ सर, पूछा है वो मेरी भाषा और मेरे अंदाज में बात को समझ पाएंगे, तो उनके जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। ये हाँ सर, जो है सब जो है ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो है ना ये बदमाशी है, वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज ये बताइए, यदि जो जिन बच्चों ने इतना अच्छा ऐप बनाया है और हमारी मदद की है, बिना इस ऐप के क्या हम लोगों को जोड़ पाते? नहीं वो जुड़ नहीं पाएगा जोड़ सर। पाते। क्या हम हाँ अपनी सर, बात 1 सेकंड के अंदर सभी लोगों के पास पहुंचा पाते क्या? नहीं नहीं पहुंचा पहुंच पाते। पाएगा सर। तो इन्होंने हमारा कितना बड़ा काम किया है, हाँ और सर, बड़ा इतना बड़ा काम करने के लिए उन्होंने 200 एम्प्लॉई रखे हैं, क्या हम जो हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, क्या हम जो है ना इतने एम्प्लॉयज के वेतन देने की स्थिति में होते? नहीं होते सर। नहीं होते। तो हमें उनका कृतार्थ होना चाहिए, और यदि वो इससे कुछ 5 पैसे एडवर्टाइजमेंट में कमा ले रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और चूंकि वो पैसे आपके नहीं लग रहे हैं तो आपको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर। हाँ तो आपको जो एक खास प्रश्न आप भूल रहे हैं, जब आपको याद आए तो आप उसको अब जरूर लिखते जाइए, हम आपकी हर जो सर, है परीक्षा का जवाब देंगे, और हाँ आप सर, उसी जो हमारी बातचीत है इसी को उनके पास भेजिए, तो उनको पूरे हाँ सर, उनके भ्रम पूरे हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना हाँ कह सर, रहा हूं कि आप चारों तरफ यदि ये दुष्टता हो रही है, यदि आपको समझाने के बाद यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपके पूर्व जन्म का पाप है और प्रारब्ध है, आप इससे मुक्ति नहीं पाएंगे। इन्हीं दुष्ट राजनेताओं को झेलना आपकी सोच और नियति का हिस्सा है। कहते हैं कि हाँ सर, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। तो यदि ईश्वर ने आपके प्रारब्धों के कारण आपको घोर जो है कष्ट देने का विचार बनाया हुआ है, तो आप जो है इस बात को नहीं समझ पाएंगे, आपकी मति जो है भगवान पहले से ही हर लेगा, तो आप बकवास करेंगे, बिना 5 पैसे खर्च हुए इन दुष्टों की दुष्टता को झेलेंगे, जिन्होंने 75 साल तक जो है आपको गुमराह किया है, अंग्रेजों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं, आपको जो गरीब बना के रखना चाहते हैं, जो फ्री भी बांट के आपके जो है ना आत्म सम्मान को खत्म करना चाहते हैं, वो आपको समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं, इसी दुष्टता का आप वो करते रहिए,
और वो आपको दारूखोर भी बना रहे हैं। हर गली कोने में संविधान में आर्टिकल 47 में सभी के लिए ये दिशा निर्देश है कि वह जो है दारू को बंद करेगा, प्रतिबंधित करेगा। तो संविधान में लिखे होने के बावजूद भी ये दुष्ट राजनेता गली गली कूचे कूचे में दारू की दुकानें खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं। ये शुद्ध जो है दुष्ट लोग हैं, इनके पाप का बड़ा भर भर चुका है। यदि हम अभी भी नहीं जागेंगे तो ये हमारी नादानी है और हमारे पूर्व जन्म के पापों का हम फल भोग रहे हैं। और जो मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, तो आपको प्रभु ने दारुण दुख देने का मन बनाया हुआ है। और क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्तव्य ही है और जो है ना कृत्य ही इतने खराब हैं, इसलिए आपको आपकी मति खराब हो गई है। इस बात से आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? हाँ सर, मिला मिला है सर। मिला है। हाँ सर, चलिए, तो हाँ और मिला कोई है सर। प्रश्न, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो मैं इस वार्तालाप को बंद करूं। चलिए, हाँ सर, ठीक है सर। तो सुरेश जी, मैं आपका गलत नाम ले रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। और हम लोग मिलके जो है एक नए भारत का निर्माण करें। 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को क्राइम फ्री भारत के ऐसे चंद्रगुप्त हराएंगे जिनका चेहरा कोई नहीं जानता होगा, जो हाँ आपके सर, हाथ में है। यदि आप अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो आप चंद्रगुप्त बनेंगे, और जीतने वाला कौन होगा? आप होंगे। हराने वाला कौन हाँ सर, होगा? आप होंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाग जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने किसको क्या दे दिया है? सामने वाला तो आपका ही अपना समय आपके लिए कर रहा है। नहीं तो आपको हाँ सर, बताइए, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, क्या किसी दुष्ट राजनेता ने आपको बताया कि हमने जो है गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं, हमने बदमाश नहीं व्यवस्था सर, को आपके ऊपर थोप के रखा है, हम आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमने आपको गरीब बना के रखा हुआ है, हमने फ्री भी बांट कर आपकी जो है आत्मसम्मान को जो है ना रौंद डाला है? कोई नहीं बताया सर। कोई नहीं बताया है तो ये क्यों बताएंगे? और ये खुद जो है 80% चपरासी की नौकरी में भी पास नहीं हो पाएंगे, ऐसे हैं ये लोग, हाँ सर, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ चलिए, तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। सर, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो छोटी सी बात कही थी कि ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि ये मिशन जो है, जो कि कोई पार्टी नहीं है, ये मिशन है, इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं, साधु से बिल्कुल बिल्कुल, लेके सभी हाँ सर, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनेता सबसे ज्यादा विश्वासघात अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला उनका आपने। उनको उनका टिकट मार के उन लोगों को दे रहे हैं जिनको टिकट मिलना नहीं चाहिए, और उनको छदम तरीके से जिता रहे हैं। फिर जो है ना, जिस दिन से चुने जाते हैं उसके दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और हाँ इस हाँ देश बिल्कुल में हर चीज नेगेटिव कर रहे हैं। जी, अब देखा जाए तो हमारे देश की हर समस्या के लिए राजनेता ही जिम्मेवार हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें पराजित करना ही होगा। और ये मॉडल कह रहा है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम इनको पराजित कर पाएंगे। तो इसमें इसमें जो है, जो लोग जुड़ेंगे वो मिशन के सदस्य हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है, राइट? और मिशन के 21 ऑब्जेक्टिव हैं। वो ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। वो फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे, जो इस देश को न केवल समृद्ध बनाएंगे बल्कि निरोगी व दीर्घायु भी बनाएंगे। और ये पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देखेगा, और भारत जो काम करेगा वो पूरे देश में माना, पूरे विश्व में माना जाएगा। आप और इसको करने के लिए जो मिशन है वो जो है चंद्रगुप्त पैदा करना उसका अभियान है। और चंद्रगुप्त हाँ वो बस है, चंद्रगुप्त वो है जो अधिक से अधिक लोगों को संसद क्षेत्र में जोड़ेगा, वो चंद्रगुप्त है। और वो जोड़ने वाले जो लोग हैं वो उस सांसद क्षेत्र के हों ये जरूरी नहीं है, राइट? वो जी कहीं के भी हो सकते हैं, वो आपके एनआरआई हो सकते हैं,
वो आपके जो है ना, आप यदि महाराष्ट्र के हैं, वो मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, नॉर्थ ईस्ट के, दिल्ली के, कहीं के भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं समझ गया, मैं लोगों, पढ़ा ना आपका वो, आप जो भेजे ना मुझे, मैंने पढ़ा है, क्योंकि अच्छा तो आपका जो मैथिली चंद्रगुप्त वाला जो है आपका, मैंने हाँ, वो पढ़ा है, देखा है ना, आप किस और हद तक उस बात उसमें से सहमत हैं कि इस मॉडल के तहत हम बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए, दिग्गज बड़े बड़े जो है ना धनुर्धर जो है ना राजनेताओं को, जो कि चार चार पांच पांच बार सांसद रहे हैं, जो कि जो है मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हो सकते हैं, वो जो है ऐसे गिर जाएंगे, ताश के पत्ते के तहत जो है ना नीचे भरभरा के गिर जाएंगे, और बहुत सारों की तो जमानतें जब्त हो जाएगी। केवल तो मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजूंगा आपको, थोड़ा जी सा उसको पूरा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, वो 2 साल पहले की कटिंग है वो, अच्छा, और उसमें क्या कहा गया है? मैं वही है, हम शैडो कैबिनेट बना रहे हैं हमारे संगठन की तरफ से, हम हर वार्ड में शांति दूत, हर गांव में शांति दूत है, हर शहर में शांति दूत, तो जो और आप शांति शांति दूत दूत बना रहे हैं, 1 मिनट, आप उसको शांति दूत बनाते जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन से उसको जोड़ते जाइए, और उसको नहीं, जोड़ने, शांति दूत बनने के बाद, शांति दूत बनने के बाद में क्राइम वहां खत्म होता है, शांति नहीं वो दूत अभी बनाने का अभी मकसद देखिए ही हुआ देखिए है। अच्छा देखिए देखिए अभी अभी क्राइम से अपन सीधा नहीं लड़ रहे हैं, अपन क्या हाँ कह रहे हैं कि हम देश का इकोसिस्टम बदलेंगे। अभी तो जो है जिसकी ड्यूटी जी चलो क्राइम रोकना है, वो क्राइम करा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ये बताइए, इसलिए आप ये बताइए इसलिए जी। हमने हाँ तो बहुत सरल शब्दों में शांति दूत बनाने का अभियान चला के रखा है, मैं ये कह रहा हूं, और आप उस वही शांति काम दूत करिए, लेकिन उस शांत जी दूत को क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जोड़ दीजिए, ऐप के माध्यम से, और तो मैं उसके अभी कई, दो निवेदन कर रहा हूँ आपको, हाँ मैं हाँ अभी दो निवेदन कर रहा हूँ जिसका मेरा मतलब, उसी के लिए मैंने कॉल किया था जो मैं अभी तक के नहीं बोल पाया हूँ। जी बोलिए तो मेरा बोलिए। निवेदन ये था कि अब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच का जो है, अभी हाँ हाँ देश के 17 राज्यों में हमारा संगठन फैला है, काम चालू है, जी और तीन देशों में भी काम चालू है, वेरी और गुड, सवाल ये आ रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों को हमने बनाया है जी जी पदाधिकारी, अच्छे अच्छे लोग भी हैं उसमें, जी और मैं चाह रहा था कि भी आप भी इस संगठन में आप राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी आप लीजिए, नहीं, अलग मुझे अलग प्रकोष्ठ, मुझे सुन मुझे लीजिए ना सुन मुझ लीजिए ना हाँ हाँ सुन लीजिए, हाँ अलग हाँ अलग प्रकोष्ठ है, अलग अलग प्रकोष्ठ के लिए अपन उनको अलग अलग मतलब देश का राष्ट्रीय स्तर का अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रमुख बना रहे हैं हम सबको, बिल्कुल यानी ठीक है उनके 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 अंदर में गांव तक के भी शाखाएं जाएगी, उनके लोग रहेंगे। जी। अब एक बात ये होगी, अब इस मेरा आग्रह है आपसे, निवेदन है, दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप हमारे वो मानव धर्म ग्रंथ बनाने में, यदि हमारे वो 21 सदस्य हम जो बनाने वाले हैं, जी और इसको मैंने आपको पिछले 2 सालों से जब से हमारा संबंध आया हुआ है तब से मतलब मैंने दिमाग में रखा है कि उसमें आप भी, मैंने लिस्ट में भी नाम लिख के रखा है कि अरे भाई इस वाह, समय तो आपको उसके इसका लिए मतलब आप दो साल लोग, आपको 2 साल से हमारा नाम मालूम था? नहीं 2 साल से मालूम था बोलो तो हम बीच में आप दिग्विजय सिंह जी के पास में भी भोपाल में गए हुए थे, वो जी मैंने जी कोऑर्डिनेशन करवा दिया था है ना, जी तो जी तब से मैं आपको मतलब जान रहा हूँ, अपनी बातचीत भी 2-4 बार हो चुकी है पहले भी है ना, जी जी और तो तब से मेरा निवेदन मतलब दिमाग में था कि भी हमने वो धर्म ग्रंथ बनाने के लिए जो विश्व को दिशा देने वाला ग्रंथ ग्रंथ है वो, उस समिति में मैं आपको भी मतलब आग्रह करता कि आप भी रहिए नहीं, ताकि वो धर्म ग्रंथ, यदि आप मुझे रखेंगे तो मेरा ये सौभाग्य होगा, और जी जी नहीं नहीं वो मैं हमारा सौभाग्य होगा कि भी आप जैसे अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे ना, और फिर आपने बहुत सारी कमियां बताए हो कि संविधान में ये हुआ वो हुआ, तो ये मानव धर्म ग्रंथ के बाद जो हमारे देश में जो अच्छी सुव्यवस्था बनाने के लिए हम उसमें सूचनाएं देंगे गांधी जी के विचारों के आधार पे ही आखिरी में, कि ये धर्म ग्रंथ में सूचनाएं भी रहेगी जो संविधान और सरकार और पार्टियों को और देश के लोगों के लिए वो बहुत काम में आएगी, ओके संविधान ओके, को छेड़ने वाली तो बात नहीं आपने रहेगी, वो आपने हर पहला आग्रह कर लिया और मैंने मान लिया। अब आपका दूसरा आग्रह क्या है? पहला आग्रह यह है कि आप राष्ट्रीय स्तर की इस बॉडी में मतलब आप प्रमुख जिम्मेदारी लेंगे राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, अच्छा, एक चलिए आग्रह ये है, चलिए चलिए, मैं आपके दोनों आग्रहों को मान लिया, ठीक है। अच्छा, बस सर बहुत मुझे अब आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं ऐसा समझ रहा अब हूँ। आपको एक मेरा आग्रह मानना पड़ेगा, जी जी बोलिए 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 वो बड़ा सिंपल सा है। मैंने जी जी कमर कठी कसली है कि जी जी मैं 2024 में
अपने प्रयासों से ऐसे जो है ना चंद्रगुप्तों को पैदा करूंगा जिनका चेहरा किसी को नहीं मालूम होगा, और ये बिना चेहरे के लोग जो है बड़े बड़े दिग्गजों को हराएंगे, और उसके लिए जो मॉडल है वो बहुत आसान मॉडल है जो मैंने थोड़ा सा समझाया था। कभी अगले अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत एक्सक्लूसिव जरूर जरूर आप जरूर वीडियो जरूर जो आप कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो मैं जरूर आपसे सर ये सहमति चाहूंगा कि चूंकि जो आपका ये धर्म है उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम चाहिए होगा, वो इकोसिस्टम ये दुष्ट नेता कभी नहीं आने देंगे। वो नहीं, हम मानव हमारी कोशिश कोशिश करना, हमारा काम कोशिश जस्ट ए करना है। मिनट, वो मानवता को नहीं स्थापित होना चाहेंगे, वो धूर्तता को स्थापित करना चाहेंगे। तो आप हमारी मदद करिए, हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, और हम आपके राजदूत मिशन से जुड़ते हैं, दोनों लोग इंटीग्रेट हों और ये हम जन जन तक पहुंचा दें। और इसमें देखिए एम्पावरमेंट किसका है, जो मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, जो लोगों को जो है ना शांति दूत बनाएगा, देवदूत बनाएगा, वही जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना सदस्य भी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ये मिशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो नहीं, हमने अभी हमारा पूरा नियोजन जो है गैर राजनीति की है प्रॉपर। मैं ये कह रहा हूं, तो इसलिए किसी को कोई धर्म संकट नहीं है। जो नहीं है, नहीं है, नहीं जो है। जो 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 संसद का टिकट बांटेगी वो एक अलग एंटिटी है, और ये क्राइम फ्री भारत मिशन का कोई भी सदस्य उस पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा नहीं है। केवल जो चंद्रगुप्त बन जाएगा उसे नियमानुसार वो उसकी सदस्यता लेना होगी, क्योंकि तभी उसको टिकट मिल पाएगा। तो वो केवल 543 लोग ही उसके सदस्य बनेंगे जिनको टिकट मिलेगी, बाकी पूरे मिशन के सभी सदस्य जो है वो मिशन के सदस्य हैं, वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। और हम लोग जो है संकल्प के आधार पर सभी राजनेताओं को हरा कर पूरा जो ना नियम कानून और इकोसिस्टम बदल देंगे। और प्रकाश जी, मैं चलो, मैं आपको एक समझ बड़ी गया। प्रकाश जी एक बात आपको और बता दूं, मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि ये सब राजनेता अपने लाभ के लिए एकमेल हो जाते हैं। नहीं, ये बोलने की बात नहीं है, बहुत बड़ा ओपन सीक्रेट है ये कि तो ये विषय बोलने का ही नहीं, नहीं है। मैंने उसका तोड़ भी सोच के रखा है, मैंने तोड़ उसका सोच के ये रखा है कि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी होगी तो 4 साल तक इस देश को हम इसका इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदलेंगे, और 6 महीने बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स करेगा, इसलिए 6 महीने के अनुभव के आधार पर हर 6 महीने बाद उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन करेंगे। तो 4 साल में चलो हमें 8 मौके रिफाइनमेंट के मिलेंगे, तो वो ऑर्डिनेंस तब के जो है ना एक बहुत अच्छा जो है ना कानून के रूप में 4 साल बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा, और जितने बदमाश लोग हैं वो सर्टेनिटी के साथ जेल जाएंगे। आई डोंट नो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ओरिजिनल, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट में 2017 में मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म तैयार किया था और उसे भारत सरकार में भेजा था। 2019 में आई वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन, राइट? तो आज ये नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित है, एंड आई एम द प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस मिशन। लेकिन मुझे ऑफ लेट ये बात समझ में आ गई कि इन राजनेताओं के रहते हुए ये पूरी तरह से फिजिबल होने के बावजूद, आपकी समझ देखिए सर, आपकी जो भावनाएं हैं, जो प्लानिंग है, उसको मिलके अपन पूरा करेंगे। मुझे समझ में सारा विषय आ गया है। अकेले का काम ना मेरा है ना आपका है, बिल्कुल तो ठीक बात, देश के लिए, देश की जनता के लिए मिलकर ताकत से काम करेंगे। अब एक बिल्कुल, निवेदन है और है, मैं हाँ आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजूंगा, जी और एक मैं हम लोग जो नियुक्ति पत्र देते हैं उसका एक नियुक्ति मैंने जस्ट अभी किया है, तो उसका एक कॉपी भेजूंगा। तो वो नियुक्ति पत्र सर मैं आपको निवेदन कर, मतलब कल आपको आपकी नियुक्ति पत्र भेजना चाह रहा हूँ मैं। और ये नियुक्ति पत्र जो है कल के कल मैं भेज रहा हूँ, तो मुझे आपका एक आधार कार्ड और एक फोटो भेज देंगे करंट वाले, तो मैं आपको ओके। तो आधार कार्ड क्यों चाहिए जरूर उसके आएंगे। लिए? आधार आधार कार्ड, कार्ड बोलो तो रेसिडेंस से लेटर्स का पता रहता है ना कि हम भारत के नागरिक हैं, अच्छा, और तो एक फोटो करंट वाली मोबाइल से जो निकालते हो वाली। आपको इस बात में संदेह है कि मैं भारत का नागरिक वो आदत है ना, अभी आदत है, तो नहीं? अभी हम कुछ लोग कुछ उज्जैन में कुछ लोगों को उसको ऊपर कर दीजिए भाई, जी चलेगा चलेगा हम रजिस्टर्ड भारत के नागरिक, इसमें कोई संदेह चलेगा वाली बात नहीं है। आधार तुम्हारी कार्ड क्या फोटो वाली सभी दिक्कत कार्ड है उसमें है?
जी, है ना। और हमको बहुत सारी चीजों को बदलने में एक दूसरे का सहयोग लेना है, तो बेंगर करेंगे। हम जो अब है उज्जैन वो को 2024 के बाद इस देश जी का इकोसिस्टम बदल देंगे, और हम जी जी सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं का जो है वो मुगालता जी दूर कर देंगे कि जी वो अपराजेय है, वो जी तो ताश हाँ के पत्ते जैसे मिलके जो है ना नीचे गिरेंगे, और उनमें से जी काफी लोगों की तो जमानतें जब्त होंगी। बस केवल जी हमारे दूत जो है ना गली गली कोने कोने में जाके लोगों तक ये बिल्कुल विश्वास बिल्कुल, पैदा कर कंपनी को दें देंगे। कि हाँ नया इकोसिस्टम 2024 में आने वाला है, तो ये अदृश्य चंद्रगुप्त जो होंगे, जो कहीं से बिल्कुल लोगों को जोड़ेंगे, जिनका चेहरा जी किसी को नहीं मालूम होगा, वो तो जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चेहरा बनेगा, राइट। वो बिल्कुल चेहरा हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आपने मुझसे जी आग्रह किया, मैंने मान लिया, आप मुझे अपॉइंट कर दे जी रहे हैं, राइट। तो सर ये सर आपके हाथ में, इसलिए आपने अपॉइंट कर दिया है, लेकिन यही जी जी अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं किसी को चंद्रगुप्त अपॉइंट जी करने का ताकत नहीं रखता हूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त बिल्कुल वो बनेगा जो मेजोरिटी लोगों को जोड़ेगा सांसद क्षेत्र में, तो जिसके हाईएस्ट जो है जी सदस्यों को जोड़ने के प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, वह जो है जी चंद्रगुप्त होगा। और किसी ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात पूछी, उसने कहा सर आप तो किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, अब यदि कोई अपराधी होगा तो फिर क्या आप उसको चंद्रगुप्त बना के सांसद बनाएंगे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट देंगे कि आपका ये आपराधिक रिकॉर्ड है, इस आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भी आपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, इतने सारे लोगों को जोड़ा है, लिहाजा हम आपको चंद्रगुप्त के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं, हम आपकी बहुत सराहना सुंदर करते हैं, आप उन विद्वानों और खुदगर्जों से ज्यादा अच्छे हैं जो अपने लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, तो इस आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भी हम आपको सलूट करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी में हम आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को गलत उसके लोगों को टिकट नहीं देते हैं, दे सकते हैं, लिहाजा हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम चंद्रगुप्त के रूप में आपको मान्यता भी देते हैं और सलूट भी करते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो वो सेटिस्फेक्शन अपराधी होते हुए भी हम उसे चंद्रगुप्त जी कहेंगे, बस सांसद का टिकट नहीं। जी जी वो तो यदि चलो सर, माफ मैं आपको मैं जी भेज रहा हूँ, और मुझे एक फोटो भेज दीजिएगा प्लीज, है ना। जी जी और जरूर। आपको 1 तारीख और 2 तारीख को उज्जैन में रहना है, ये भी निवेदन आपसे, हम मिलेंगे वहां पर, साथ दो में आएंगे। तारीख को मैं किसी अपने बैचमेट की शादी में जा रहा हूं, तो मैं कहाँ जा रहे हैं आपको सर आप, आउट ऑफ? मैं बाहर जा रहा हूं, ओके, आप नहीं रहेंगे मतलब ठीक है मैं सर। दिल्ली की उस तरफ जा रहा हूं, और ओके वो ओके, मेरा दो जी कमिटमेंट है, कोई उसे मैं बदल नहीं सकता हूं, तो बात नहीं कोई बात नहीं मैं जो है अगले आपका जो भी आयोजन होगा उसमें मैं जरूर आ जाऊँ। जी, तो आप धन्यवाद यदि सर। बहुत आवश्यक समझेंगे तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर मैं वहां पे जोड़ लूंगा आपको, और अपनी अपनी उपस्थिति आप तो दर्ज वो करा आजकल तो लेंगे। वीडियो लिंक से 2 मिनट में आप बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, तो जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मैं वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल दूंगा, तो आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। जी, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद, प्रकाश जी, बहुत बहुत आपसे बात धन्यवाद करके बहुत अच्छा लगा, जी, मुझे भी अच्छा लगा सर और जी। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बातचीत है ये हाँ कॉस्मोस की बातचीत है, ये जी, हमारा हर चीज रिकॉर्ड होके क्राइम फ्री भारत में जाती है, तो अच्छा जी, आप जो है आपका जो जोश और जो बातें आपने कही हैं वो हमारे लोगों में ऊर्जा का स्रोत बनेंगी, और आपकी जो स्पष्ट वार्ता है वो लोगों में और शक्ति पैदा करेगा, तो मैं आपकी एक बार फिर से सराहना करना चाहता हूं कि आप मुझे पहले स्पष्टवादी मिले हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम। भारत, जय भारत, जय, धन्यवाद।